तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे देखिए आप बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है, ऐसे आप देख सकते हैं अगर ऑफिस वगैरह के लिए निकल रहे हैं तो इस तरीके से अपने पूरे शरीर को देखिए। एंड यहाँ पे देखिए पार्किंग एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे का लॉन टाइप का है और यहाँ है पार्किंग एरिया, तो आपका साइकिल वगैरह जो भी होगा पूरा देखिए एक लाइन से खड़ी। इधर से भी एक एंट्रेंस जाता है बाहर की तरफ। तो दोस्तों जो मैंने लिया हुआ चौथा फ्लोर है, चूँकि जैपनीज़ लोग चौथा फ्लोर अवॉइड करते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे है ऐसा मानना। क्यों मुक्ति, तुम चौथा फ्लोर ले लेते मुक्ति अगर तुमको कहीं मिले तो? अरे तो ऊपर तो है नहीं ना, ऑप्शन नहीं है, यही है ना। रुको 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 रुको, लेट मी चेक रूम नंबर 405। तीन, अबे 405 ये रहा, तो 405 ये रहा, हाँ ये है दोस्तों 405 नंबर, जो कि मेरा रूम होने वाला है। इसमें तुम कहाँ से? तो ये रही बत्ती जल गई, इनका रिफॉर्म किया हुआ है यहीं पे, ये देखो ये है अपना, और यहाँ पे रहेगा वॉशिंग मशीन, और ये है टॉयलेट, इसमें ये लगा हुआ है जो है ऑटोमेटिक, और ये रहा आपका बाथटब और नहाने का। यहाँ पे जो है किचन है, और ये तो ये है रिमोट सारे जितने भी बत्ती वगैरह और एसी वगैरह के। उसका गैस लिखा है। अच्छा उसका गैस लिखा है, तो गैस वाला होगा, गैस का है। और ये है आपका, ये है मेरा पहला रूम किचन वाला, वो मत छोड़ो, वो रसकोंकी है वो हवा निकालने के लिए। और ये एक रूम जो है वो तातामी वाला है। तो ये इधर देखिए इस कवर्ड में आप सामान भी रख सकते हैं, इधर थोड़ा ऊंचा है मेरी हाइट से लेकिन आ जाएगा। ये है आपका मॉड्यूलर, ये चलता भी है, बत्ती तो जल, अच्छा अच्छा चल तो रहा है, इसमें फैन पंखा चल रहा है, थोड़ा ज्यादा ही स्पीड से चलने लगा था, इसमें जाली लगानी है यार, जाली लेके आऊंगा। तो ये है एयर प्रेशर, एयर प्रेशर जब बन जाता है तो ऑन करने पे बहुत तेज गैस से बाहर निकालता है। बाकी विंडो दी हुई है यहाँ पे ताकि धुआं वहाँ फैले। इधर देखिए आप ऑटो लॉक वाला सिस्टम है, अगर नीचे से कोई मुझे आया तो वहाँ से कॉल करेगा, मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा तो दरवाजा खुल जाएगा और कैमरे पे उसकी पिक्चर भी आ जाएगी। तो ये वाला रूम मैं दिखा रहा था आपको, ये ऊपर का फ्लोरिंग देखिए इस तरीके से है, ये ऊपर की फ्लोरिंग और बत्ती वगैरह जैसा मैंने बताया कि मिला हुआ है, एंड वॉलपेपर भी इन्होंने नॉर्मल लगाया है इस पे। ये रूम ऐसे बंद हो जाता है, जो डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, तो ये अपना सेपरेट रूम हो गया और वो अपना सेपरेट रूम हो गया। तो और इधर से आप देखिए ये भी अगर बंद कर देंगे तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा पूरा रूम आपका पैक। और ये कबर्ड आप इसको देखिए, पूरा बहुत बड़ा कवर है इधर, इसमें आप पूरा सो भी सकते हैं, वगैरह नीचे रख सकते हैं। बाकी इधर भी है दिया हुआ ऊपर की तरफ बड़ा सा, एंड ये देखिए, और एसी भी इसमें मिला हुआ है साथ में। आइए बालकनी दिखाते हैं आपको, बालकनी भी बड़ी सी है, दोनों रूम में है, सबसे बड़ी बात है इधर बालकनी है, ये पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक की बालकनी है। और सामने का नज़ारा देखिए इस तरीके से दिखता है, इसमें कॉइन लॉन्ड्री भी है इधर सामने, आपको कॉइन लॉन्ड्री मिलेगी अगर आपको कपड़े वपड़े धुलने हैं। खैर मेरे पास तो वॉशिंग मशीन है तो मिलेगी वहाँ, देख सकते हैं। बाकी ऊपर आप देखिए तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो सामने देखिए वो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो मेरे पुराने ऑफिस के पास ही। सबसे बड़ी बात यहाँ की है ये देखिए, बालकनी चौड़ी सी है, पूरे आप कपड़े सुखाइए या चेयर लगा के बैठिए। दोनों रूमों में है बालकनी, इसको बंद कर दें तो आवाज़ नहीं आती, इसमें पर्दे लगाने पड़ेंगे, कर्टन्स लगाने पड़ेंगे। और इधर देखिए आप, इसमें भी बालकनी, सेम बालकनी है इसमें भी, यहाँ आपका दिया हुआ है वाईफाई वगैरह फिर लगाने के लिए, एक प्लग स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप बंद कर देंगे तो ये पैक हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक रूम हो गया आपका, और ये एक आपका बैठने के लिए, यहाँ वॉल पे टीवी लगा दीजिए, कुछ भी यहाँ पे लगा दीजिए, सोफ़ा, ये हो गया खाना बनाने के लिए। तो ठीक है, हवादार है अपना,
तो यही है रूम, आप देखिए ये है आपका शू रैक, लेकिन शू रैक से ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारा सामान आ सकता है, तो इसमें आप रख सकते हैं। बाकी बाथरूम वगैरह आपको दिखाया ही, इन्होंने सब कुछ नया नया किया हुआ है। क्यों मुक्ति, कैसा लगा तुमको? ठीक लगा? ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये ऐसे रूम है भैया, ये एक रूम तातामी वाला है, और ये इधर देख रहे हैं आप कबर्ड बना हुआ है बहुत बड़ा, पूरे रूम का इतना बड़ा। तो इसमें आप चाहे खुद सोइए या किसी को या फिर कपड़े रखिए या कोई सामान रखिए। तो ये एसी भी इसमें लगा हुआ, नया ही एसी है, लगा हुआ मिला हुआ है, एक ही रूम में है। एक रूम में खुद से अगर लगवाना है तो लगा दो, बत्ती भी मिला हुआ लगा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर आम तौर पे 2LDK के जो होते हैं ना उसमें बत्ती मिलती नहीं है। ये दूसरा रूम है जो कि नॉर्मल फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग, तो इसमें भी बत्ती लगी हुई है, तो मुझे बत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये है बालकनी, अभी दिखाता हूँ। तो ये है 2LDK जो मुझे पड़ा है लगभग 80,000 का। तो पहले जो मैं रहता था सिंगल रूम में रहता था, अब आप देख सकते हैं कि किचन भी बड़ा हो गया है थोड़ा, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, तो आप खाना वाना बना सकते हैं, बर्तन वगैरह। ये ऊपर के कवर्ड्स भी हैं, देखिए इसमें भी आप सामान रख सकते हैं इस तरीके से, या फिर इधर भी। रूम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्टेशन जो है ना, स्टेशन के एकदम समझ लो 20 सेकेंड, उतरते ही 20 सेकेंड पे स्टेशन है। या तो आप जा करके, जहाँ से मुझे जाना हो, ट्रेन पकड़नी होती, पहले मैं आता था 5-7 मिनट लगते थे घर से स्टेशन आते आते, अब यह है कि 20 सेकंड में आप स्टेशन पहुंच सकते हैं तुरंत। ये गैस के लिए, इसमें टेम्परेचर सेट करके आप गैस का वो कर सकते हैं, पानी गर्म। तो चलिए फिर चलते हैं, अगली वीडियो में दिखाएंगे शिफ्टिंग के बाद।